वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम कुछ नहीं करने वाले, नहीं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो करेंगे पर गेम प्ले खेल नहीं रहे हम, ड्राइंग नहीं बना रहे, ये सब नहीं। आज मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ बताऊँगा, कतई मज़ेदार। हाँ, ऐसे ही मोटे हो जाओगे देखने के बाद। तो एक मैं वीडियो देख रहा था, आप भी देखो, अच्छी लगे तो ठोक देना लाइक सब्सक्राइब, और क्रेडिट जिसको जाएगा वो लास्ट में मैं बता दूंगा। कतई चिंता मत करो, वीडियो देखो और मजे करो। दोस्तों, जो भी बोल रहा हूं उसे हेडफोन लगा के जस्ट फील करना, बहुत कुछ सीखोगे। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, अवसर, चांस, जो कुछ भी जिंदगी में हम चाहते हैं हम पा सकते हैं, उसे हासिल करने का मौका जिंदगी देती है। लेकिन मौके को देखने के लिए आंखें खुली रखना जरूरी है, उस रास्ते पे चलने की हिम्मत और आत्मविश्वास जरूरी है। दोस्तों, मौके का इंतजार करने वाले इंतजार में ही रह जाते हैं, अगर मौके नहीं मिले तो मौके ढूंढने पड़ते हैं, ध्यान से, हिम्मत से, क्रिएटिविटी से और अपने हौसले से। हर कोई जिंदगी में कामयाबी और खुशी चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, और इस दुनिया में जितने भी लोगों ने ऐसी जीत हासिल की है, चाहे उनकी जिंदगी जैसी भी थी, वो सभी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की, देखने की और उसको सही इस्तेमाल करने की कला सीख गए थे। आसपास के लोग क्या सोचते हैं इसकी फिक्र में वक्त मत गवाना। कितने लोग जब कुछ अलग या हटकर करने की कोशिश करते हैं तो ये सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इस डर से ना जाने कितने सपने सपने ही रह गए। इसलिए उन लोगों की मत सुनना जिन्होंने अपने लाइफ में कोई जीत या कामयाबी हासिल नहीं की और जो आपको भी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने दिल की सुनना और उनसे सीखना जिन्होंने कुछ चाहा, उसके लिए मेहनत की और उसे हासिल भी किया, जिन्हें जीत और कामयाबी मिली। लाइफ में खुश होने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा दिल जहां पर लगे वहीं पर खुशी और कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप वहां नहीं हो तो वहां जाने का हौसला और वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहना। जो आदमी बड़े जहाजों के लिए रुका है वो छोटे नाव को जाने देता है, और जो बड़े मौके के लिए रुकता है वो छोटे मौके को जाने देता है। और अगर बड़े मौके आ भी जाए तो भी उनका फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि छोटे मौके का इस्तेमाल करके जो सीख और समझ मिलती है वही बड़े मौके में मदद करती है। हर किसी को बड़े मौके नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे छोटे मौके जरूर मिलते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सवेरा आता है, आंखें खुली रखना, भरोसा रखना किस्मत से ज्यादा अपने आप पर, क्योंकि किस्मत उनकी चमकती है जो हिम्मत से कुछ करते हैं। ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में जीतोगे ही, शायद बहुत बार हारोगे भी। कुछ भी नया करने जाओ तो हार के लिए भी तैयार रहना, बस हारने के डर से रुकना मत, क्योंकि हार से भी ज्यादा अफसोस का दर्द बड़ा होता है। और दोस्तों, जो चाहते थे वो ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन ये बात दिल में ना रहे कि मौका था, कुछ चाह था और कुछ कर सकते थे, पर डर के मारे किया नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सीखने का मौका है, बस एक लर्नर्स का माइंडसेट होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी मिले, हार या जीत, हम सीखेंगे। हेनरी फोर्ड, जो कि इस दुनिया के सबसे कामयाब और इनोवेटिव बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। दोस्तों, यहां बाहुबली का एक लाइन याद आ गया, समय हर कायर को बहादुर बनने का एक मौका जरूर देता है। आप कोई कायर नहीं हो ना वैसे जियो, बस बहादुर बनो जो चाहते हो उसे पाने के लिए। जीतना चाहते हो तो मंजिल के बारे में सोचो, मुश्किलों के बारे में नहीं। मौके पर नजर रखना, और मौका ना मिले तो खुद मौका बना लेना, उन्हें क्रिएट करना, इनोवेट करना, और पेशेंस रखना, क्योंकि बिना पेशेंस के कोई जीत हासिल नहीं होगी। सोच समझ के काम करना तो अच्छी बात है, पर इतना भी मत सोचना कि काम करने का वक्त ही गुजर जाए। एक वक्त होता है सोचने का, प्लान करने का, उस वक्त अच्छे से प्लान करो, और फिर वक्त आता है एक्शंस का, तब फुल एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ एक्शंस लो। और जाते जाते दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आप अपने जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हो, वैसे ही दूसरों को भी जीतने में मदद करना, उनके रास्ते में उनकी हेल्प करना, क्योंकि सबको अपने लाइफ के रास्ते पर चलना तो है ही, लेकिन साथ में चलेंगे तो ज्यादा दूर तक चल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, तो नाम ही ऐसा है, द विल पावर स्टार्स। और इसके लिए एक लाइक तो ठोकना पड़ेगा आपको, और ज्यादा अच्छा लग गया तो ठोक दो सब्सक्राइब को भी, मज़ा ही आ जाएगा। और याद रखना, फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन।
Have a good day and a lucky time. Bye.